जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें अपने मोबाइल पर लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट आई है और ये पहले भी काम आया था, तो इंशाल्लाह इसमें पहले भी काफ़ी बंदे इसमें जा चुके थे, तो अभी दोबारा से ये काम आया है। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल वगैरह सारी चीज़ देख ली होगी, ये जो हमारे पास में काम है कुवैत का काम है और ये बाइक डिलीवरी बॉय का काम है, ठीक है? तो ये चीज़ का मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसमें जो सैलरी है आपकी काफ़ी अच्छी लगने वाली है और इसमें जो इंडियन लाइसेंस एक्सेप्ट है, अगर आप फ्रेशर हैं या रिटर्न हैं या आप पहले से ही इस लाइन में काम करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, आपने इस लाइन में काम नहीं किया था, आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, आपको इंग्लिश आना चाहिए, तभी आप इस लाइन में जो है अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें सबसे मेन चीज़ है आपकी जो एज होना चाहिए वो 21 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, ज़्यादा एज वाले इसमें कैंडिडेट नहीं चल पाएंगे। और पासपोर्ट कोई भी हो, दोनों पासपोर्ट चल जाएगा। टर्म कंडीशन मैं आपको पूरी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप पहले इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद में हमें कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर दे दूंगा, उसके बाद में आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं और इंशाल्लाह इसमें आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा और आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। लगभग आपका वीज़ा जो है 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह इसमें आ जाएगा, 15 दिन से पहले ही पहले आ जाएगा आपका वीज़ा, लगभग 10 दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि पहले जो बंदे इसमें अप्लाई किए हैं उनका जो वीज़ा है लगभग आपको ये मानिए कि 7 से 8 दिन के अंदर वीज़ा उनका आ गया है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा जल्दी आ जाएगा, लेकिन पहले पूरी टर्म कंडीशन जान लें, उसके बाद में हमें कॉन्टैक्ट करें ताकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो, हमें भी प्रॉब्लम नहीं हो और आपका इजी सिलेक्शन हो सके और इजी आपका अप्लाई हो सके। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और किसी भी तरह की क्वायरी वगैरह है, अगर आपको इससे रिलेटेड क्वायरी करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिल जाएगी। और ये कुवैत का काम है, 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा और रिन्यूअल वीज़ा रहेगा, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है ये कुवैत की है और ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है आपका, और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपका पासपोर्ट कोई भी हो दोनों पासपोर्ट चलेगा, एज लिमिट मैंने आपको बता दी है 21 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, आपको इंग्लिश आना इसके अंदर ज़रूरी है क्योंकि डिलीवरी बॉय में आपको इंग्लिश ही नहीं आएगी तो किस तरह से आप डिलीवरी कर पाएंगे। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु पूछते हैं कि भाई मेरे पास में लाइसेंस नहीं है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ? कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास में इंडियन लाइसेंस है और, तो अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पासपोर्ट का दोनों साइड का स्कैन देना है, पासपोर्ट साइज फोटो वाइट बैकग्राउंड में देना है और आपका लाइसेंस का स्कैन देना है और आपको एक सीवी देना है, सीवी के अंदर आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह है ये सारी चीज़ 2-3 साल का आप उसके अंदर मेंशन कीजिए। तो जैसे आप एक्सपीरियंस वगैरह उसके अंदर डाल देंगे सीवी के अंदर, तो आप इंशाल्लाह आपका ये इजी सिलेक्शन हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर आपको बता दिया जाएगा और उसके बाद में आपका जो आगे प्रोसेस किया जाएगा। और अब बात करते हैं सैलरी और ड्यूटी वगैरह की, तो आपकी जो इसमें सैलरी रहेगी वो काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह से ये सारी चीज़ प्रोवाइड करिए, अदर बेनिफिट जो है आपको कुवैत के लेवल लोग के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये है, ड्यूटी जो है आपकी 8 घंटे की भी रहेगी, 12 घंटे की रहेगी, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना ड्यूटी करना चाहते हैं। अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे तो उसमें आपकी सैलरी रहेगी 80 दिनार आपकी सैलरी रहेगी, 20 KD जो है आपका फूड का मिलेगा। और अगर आप 12 घंटे ड्यूटी करते हैं तो आपको 120 KD मिलेगा और 20 KD आपको फूड का मिलेगा, तो इस तरह से जो आपका टोटल हो रहा है 12 घंटे का तो वो हो रहा है 140 KD, वो इंक्लूड उसी के अंदर फूड है, टिप और अदर बेनिफिट्स जो हैं आपको वो अलग चीज़ हैं। और आपको पता है अगर आप पहले से यहाँ पर काम कर रहे हैं इंडिया में, अगर आप रिटर्न हैं तो आपको मालूम होगा सारी चीज़ का कि इसमें जो है आपका टिप वगैरह का जो चांसेस रहते हैं, चांसेस नहीं मिलती भी काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो इसमें टिप वगैरह काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। तो ये मान के चलिए आपकी इसमें सैलरी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी और इसमें बेसिक 12 घंटे का 120 KD है और 20 KD आपका फूड का है, 12 घंटे ड्यूटी है, इंक्लूड ब्रेक लंच वगैरह ये सारी चीज़ उसी के अंदर इंक्लूड आपका 12 घंटे के अंदर, ठीक है? तो अगर आप 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा इनकम हो जाएगा आपका।
दोनों चीज़ें हैं। अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी करना चाहते हैं तो 8 घंटे की भी कर सकते हैं, 12 की करना चाहते हैं तो 12 की भी कर सकते हैं आप। तो ये हमारे पास में कुवैत का है, बाइक डिलीवरी बॉय का। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए हैं वो आपके पास में होने चाहिए। अब बात करते हैं पेमेंट आपको किस तरह से पे करना होगा। इसमें देखो सबसे मेन चीज़ इसमें आपका PCC भी ज़रूरी है, आपका PCC भी अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप इसमें अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो। PCC भी इसमें ज़रूरी है आपका। और इसमें सबसे पहले आपके पासपोर्ट का दोनों साइड का स्कैन या हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स आएंगे। तो उसके बाद में आपको प्री मेडिकल आपको कराना है, जहां आप करा सकें वहां पे करा लीजिए प्री मेडिकल। और वीज़ा आने के बाद में आपका जो है गम का मेडिकल होएगा कुवैत का, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसमें जो पेमेंट करना होगा आपको, हाफ पेमेंट जो करना होगा आपको वीज़ा पे करना है, और बाकी का पेमेंट जो आपका वीज़ा वगैरह का पूरा काम कंप्लीट होने के बाद में तब करना होगा। तो इस तरह से आपको दो तरीके से पेमेंट करना है। इसमें एडवांस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पासपोर्ट अपने जमा करना होगा, प्री मेडिकल जमा करना होगा। जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके जमा हो जाएंगे आपका, फिर वीज़ा आएगा। वीज़ा आने के बाद में वीज़ा कॉपी हम आपको देंगे, उसके बाद में हाफ पेमेंट आपको करना होगा और हाफ आपको कंप्लीट काम होने के बाद में करना होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है अगर कोई भी भाई बंधु अगर डॉक्यूमेंट जमा कर देता है और अपना जो है पासपोर्ट वगैरह जमा कर देता है, उसके बाद में बोलता है मेरा ये मना करना है, मेरा वो मना करना है, अगर इस तरह से वो कैंसिल करवाएगा तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर उसका वीज़ा आ गया, उसका आ गया, अप्लाई हो गया है, तो पासपोर्ट तभी मिल पाएगा जब वो वीज़ा कैंसिलेशन चार्ज दे देगा। इस तरह से अप्लाई करने के बाद में वो इस तरह से पासपोर्ट उसको नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरा डिसीजन लेके सही फाइनल होके तभी हमें कॉन्टैक्ट करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होते हैं पासपोर्ट देते हैं बाद में बोलते हैं हमारा तो वो मना कर रहा है, हमारा वो मना कर रहा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये काम है कुवैत का, बाइक डिलीवरी बॉय का सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी भाई बंधु इसमें पहले भी मालूम किए थे, जिस टाइम वो काम निकल गया तो दोबारा से ये काम आया। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शन में देखिए, चेक करिए, और उस पर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड कीजिए। और डॉक्यूमेंट्स सेंड करते समय आप ज़रूर वहाँ पर मैंशन करें किस काम के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं और कौन सी कंट्री के लिए भेज रहे हैं, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी भी भाई बंधु को जो मिल सके वो अपनी लाइफ सेट कर सके। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।